छात्रों आज का वीडियो है क्लास 10 की साइंस से, और साइंस से है फिजिक्स से, और फिजिक्स से है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, उस कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 30 करोड़ है, इसका मतलब हुआ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमें क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, ठीक है। कांच में जो है प्रकाश की चाल कितनी है, आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, प्लस में निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। जहां वायु ना हो उसी स्थान को निर्वात कहा जाता है, तो निर्वात में ये प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से लिखते हैं, पहले अपवर्तनांक कितना है, यहाँ पे लिखिए अपवर्तनांक बराबर 1.5, ठीक है। इसको आप n से सूचित कर सकते हैं, यहाँ पे n लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे n, ये n हो गया n। अब देखिए, अब आपको लिखना है कांच में, मान लेते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल भी मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिए माना कांच में प्रकाश की चाल बराबर भी, ये भी मान लिए, ठीक है। अब आपको लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको C से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो कितना है ये, यहाँ पे देखिए 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ये है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जो है कांच में प्रकाश की चाल, अर्थात यहाँ पे लिखिए चूंकि n बराबर क्या होता है, c बटा भी। यहाँ पे देखिए हमको भी मालूम करना है, क्या मालूम करना है, भी। तो क्या करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए मान लीजिए ये भी जो है भाग में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा इनके साथ, और भी का मान ज्ञात करेंगे तो n चला जाएगा इसके साथ भाग के साथ, यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा, c/n। इस पर ही बैठाइए, आपको भी का मान मालूम हो जाएगा। तो C क्या है, 3×10^8, ठीक है, और आपका N क्या है, N है 1.5, दशमलव तोड़िए इसका, ऐसे लिखिए 3×10^8 गुने हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे जो बचेगा 15, ठीक है। कैसे आया 15, देखिए 1.5 है ना, तो एक अंक बाद दशमलव है, तो ऊपर जाने दिए हम 1/10, यानी 10, तो दशमलव टूट गया, ये हो गया 15। अब क्या करना है आपको, 3 से काट देना है, 3×3 3×5 15, और 5 से इसको काट दीजिए, 5×5 5×2 10, तो क्या आएगा आपका, ये 2 आएगा, यानी 2×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका जो है कांच में प्रकाश की चाल है।